हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बेहतरीन से रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपके बालों में शाइन लास्टर आने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका रिज़ल्ट देख के कि ये आप ही के बाल हैं या किसी और के। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए केला। बनाना में जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है सिलिका। सिलिका आपकी स्किन में आपके कोलाजन को चाहिए। कोलाजन सही होगा तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट होंगे और इसकी ग्रिप जो होगी वो उसको होल्ड करके रखेगी, जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रॉन्गर होते हैं। केले की वजह से आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। केले के साथ हम एक गलती करते हैं कि जब केला पक जाता है तो हम सोचते हैं कि अब इसका हेयर पैक बना लेते हैं, तो ये सही नहीं होता। अगर आपका केला पक गया है तो उसका कार्बोहाइड्रेट जो है, उसकी एनर्जी जो आपके बालों को एनर्जी देने वाला है, वो चेंज हो जाता है इनटू शुगर। क्योंकि पका हुआ केला बहुत मीठा होता है, इसमें शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये शुगर जब आपके बालों में लगाते हैं तो आपके बालों को एनर्जी नहीं मिलती, इसीलिए आप हेयर मास्क बनाने के लिए एक नॉर्मल केले का ही यूज़ करें। आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि हेयर पैक कैसे बनाया जाए। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए बनाना, नारियल का तेल और शहद। बनाना को मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल मैश कर लिया। देखिए बिल्कुल स्मूथ बना के इसे मैंने छान लिया है छन्नी से, ताकि बनाना के कोई भी पार्टिकल्स जो हैं इसमें ना रहें, क्योंकि वो बालों में चिपक जाते हैं। अब इसके अंदर हम शहद और नारियल का तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच शहद और इसमें डालेंगे नारियल का तेल। दो चम्मच नारियल का तेल डालेंगे, एक चम्मच शहद डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसको ब्रश की सहायता से बालों में एक एक चीज निकाल के अच्छे से लगा लेंगे, जैसे मेहंदी लगाते हैं, और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम बालों में छोड़ देंगे। देखिए मैंने 1.5 घंटे के बाद बालों को धो लिया है शैम्पू के साथ। आप देखो कितने स्मूथ, मतलब इतने सॉफ्ट से हो गए हैं बाल। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेमेडी कैसी लगी।